राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि यह यात्रा बोकारो होकर भी गुजरेगी। वहीं राज्य में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं के द्वारा इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी में जुट गए हैं सभी। इसे लेकर बैठक भी शुरू हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा कि 2024 में देश के लोगों को न्याय मिलेगा। बोकारो जिले के राहुल गांधी का जोरदार बोकारो जिले में स्वागत होगा और वहीं इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का भी काम करेंगे। सभी लोगों ने मिल करके ये तय किया है कि राहुल गांधी की 5 या 6 फरवरी को जो बोकारो से होकर यात्रा गुजरेगी उसको सफल बनाया जाए और अधिक से अधिक सभी पार्टी अपनी अपनी भागीदारी निभाएं और अधिक से अधिक लोग उसमें शामिल हों ताकि एक संदेश जाए कि हम लोग एक हैं और 2024 में मजबूती के साथ हम लोग मुकाबला करेंगे और मोदी के तानाशाह सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। राहुल जी का यात्रा से भारत एक परिवर्तन की ओर जा रहा है। इंडिया गठबंधन जो अलायंस बना है 2024 में, ये अलायंस जो है भारत को एक नया गिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। बोकारो सभी जगह उसका जो दौरा है इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा उनका